तो बस आज मैं सर्वाइव करूंगा 100 डेज इन मशरूम ओनली बायोम इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। और इस वाली बायोम में ना लिटरली कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस वो मशरूम वाली आंटी को मार के खाना ले लो। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता, ना तो इसमें पेड़ वगैरह है, ना कहीं से वुड की जुगाड़ है, और वुड मिल सकती है तो बस माइनशाफ्ट से। और माइनशाफ्ट ढूंढना पता है कितना मुश्किल है। तो इस वाली बायोम में मैं और भैया सर्वाइव करेंगे 100 डेज। क्या हम ये 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे ये तो आगे पता चलेगा। और हाँ, इस वाली वीडियो को मैं लाइक एम रखता हूँ 20K लाइक्स का, देखते हैं कब तक पूरा होता है। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो डेवन को स्पॉन हो गया था मैं एक सुनसान जगह पर, और यहाँ पे तो दूर दूर तक कुछ भी काम का सामान नहीं दिख रहा था। अब कैसे सर्वाइव करेंगे 100 डेज बताओ। लेकिन उसके बाद हमें दिख गया ये ग्रास का ब्लॉक। भाई ये ग्रास का ब्लॉक यहाँ पे क्या कर रहा है, लगता है कुछ ज्यादा स्पेशल वर्ल्ड में आ गए हम। उसके बाद हमने थोड़ी सी मशरूम वाली आंटी को मारा खाना कलेक्ट करने के लिए, पापी पेट का सवाल है, समझ रहे हो ना? नहीं। और खाना कलेक्ट करते करते रात भी हो चुकी थी, और तभी मुझे याद आया कि रात को यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी क्रीपर या फिर कोई भी और मॉब स्पॉन ही नहीं होता। भाई बच गए हम दोनों, वरना हम पे तो कुछ था ही नहीं, कोई भी मॉब पेल के चला जाता अभी हमें। अब हमें एक रेवन ढूंढनी थी जहाँ से हमें एक माइनशाफ्ट मिल जाए, और माइनशाफ्ट मिल गई फिर तो भाई। लेकिन रात ही रात में मेरा सारा खाना खत्म हो गया, कुछ ज्यादा ही भुक्कड़ बन गया था मैं। अब अगर मैं ज्यादा तेज भागा या फिर मैंने थोड़ा सा और डैमेज लिया तो मैं पहले तो भूख की वजह से मरूंगा और फिर असली में भैया मुझे मारेंगे। तो अब मुझे संभल के खेलना था। अब थोड़ी देर बाद ही सुबह भी हो गई थी, और उसी के साथ साथ मैं मरा भी नहीं था, भाई बाल बाल बच गए भैया से। तो इसके बाद मैंने बहुत सारी मशरूम काउस को मारा फूड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि भाई ये गलती वापस नहीं होनी चाहिए वरना भैया तो छोड़ेंगे ही नहीं। और उसी के थोड़ी देर बाद मुझे मिल गई थी, हाँ ठीक है भैया को मिल गई थी एक रेवन। और जब मैंने उस रेवन के अंदर देखा तो मुझे तो कोई माइनशाफ्ट दिखी नहीं, तो मैं तो बिल्कुल उम्मीद आ चुका था माइनशाफ्ट मिलने की इस रेवन में। लेकिन भैया ने कहा अंदर जाके चेक करते हैं, क्या पता इसके अंदर माइनशाफ्ट मिल जाए। तो उसके बाद हम दोनों इसके अंदर गए, और इसके अंदर बड़ी बड़ी केव्स थी। तो जब हम उस केव के अंदर गए तो हमें डायमंड्स मिल गए, लेकिन अब कैसे उखाड़े इन डायमंड को, हमारे पास तो कोई टूल्स भी नहीं है। तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब। उन डायमंड को हमको पीछे छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें मिल गई थी माइनशाफ्ट। मैंने कहा था ना यहाँ पे माइनशाफ्ट मिलेगी, क्या मतलब मैंने नहीं कहा था, भैया ने कहा था, भाई किसी ने भी कहा हो, मेन बात तो यह माइनशाफ्ट मिल गई थी। तो यहाँ पे जाने के बाद मैंने बहुत सारी लकड़ी तोड़ी पहले तो, और लकड़ी तोड़ने के बाद मैंने अपने लिए स्टोन के टूल्स भी बना लिए, और स्टोन के टूल्स बनाने के बाद मैंने थोड़ी सी और लकड़ी तोड़ी, और तभी भैया को और डायमंड्स मिल गए थे। भाई भैया को इतने सारे डायमंड कैसे मिले जा रहे हैं। और उसके बाद हमने बहुत दिनों बाद फाइनली पक्का खाना खाया, वरना कच्चा खाना खा के तो मेरे पेट में दर्द हो गया था। और उसके बाद आयरन की पिकेक्स बना के हमने डायमंड माइन कर लिए, और उसके थोड़ी देर बाद भैया को फिर से डायमंड मिल गए, और अपने लिए एक शेयर्स भी बना लिए जिससे मैंने बहुत सारे कॉबल्स तोड़ लिए जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं हमारे। और फिर मैंने इस माइनशाफ्ट को पूरा खाली कर दिया लकड़ियों से, क्योंकि मैंने यहाँ से सारी लकड़ी माइन कर ली। और तभी हमको एक स्पॉनर भी मिला, और यहाँ से हमें बहुत सारे कॉबल्स तो मिले, लेकिन इसके स्पॉनर के अंदर ही कुछ नहीं रखा हुआ था भाई, मतलब इससे कुछ स्पॉन हो ही नहीं रहा था। और थोड़ी देर बाद भैया को थोड़े से और डायमंड मिल गए। देखा मेरे साथ खेलते खेलते सब कुछ सीख गए भैया। और फाइनली मैं पूरा कवर हो चुका था आयरन के आर्मर में। चलो भाई अब थोड़ा सा सुरक्षित फील कर रहा हूँ, वरना तो कोई भी मार के चला जाता है यहाँ पे। और फिर हम वापस गए अपने पहले वाले डायमंड पे जहाँ पे हमें सबसे पहले डायमंड मिले थे, और हम पे अब तो आयरन का आर्मर और पिकेक्स थी। तो हमने सारे डायमंड माइन कर लिए, तो हमने एक बढ़िया सी जगह ढूंढी और वहाँ पे बेड्स बना लिए अपने लिए, और पहली बार चैन की नींद ली हमने इस वाले वर्ल्ड में। और सुबह होते ही हमने एक बढ़िया सी जगह ढूंढ ली, और वहाँ पे अपना जितना भी सामान था सारा रख दिया, वैसे सामान ही खाता हम पे। उसके बाद हमने एक पॉइंटेड ड्रिपस्टोन फार्म बना दिया और एक लावा फार्म बना दिया, और उस लावा फार्म की हेल्प से हमने बना दिया एक नेदर पोर्टल। देख रहे हो भाई हमारी इंटेलिजेंस, बिना डायमंड पिकैक्स के हमने एक नेदर पोर्टल बना लिया, भाई हमसे ज्यादा होशियार होगा कोई? और उसके बाद हमने नेदर पोर्टल लाइट अप कर दिया और हम चले गए नेदर के अंदर। और नेदर के अंदर जाते ही हमने देखा कि हमारे नेदर पोर्टल के जस्ट बगल में रेड फॉरेस्ट, जहाँ से हमें बहुत सारी लकड़ियाँ मिल सकती हैं। अब तो भाई लकड़ियों को आराम से यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने सोचा भाई लकड़ियाँ भी हमारे पास और कॉबवेब्स भी हैं, तो क्यों ना नेदरराइट की माइनिंग करें। तो मैं वापस गया अपने ओवरवर्ल्ड और वहाँ से अपने कॉबवेब्स लेके आया, और मैं आगे नेदर में और नीचे माइन करने लगे। देख रहे भाई हमारे सपने,
अभी हमने डायमंड का आर्मर बनाया नहीं है और आयरन का आर्मर बनाते बनाते पूरी जान निकल गई, लेकिन हम नेदरराइट की माइनिंग करने में लगे हैं। फिर थोड़ा सा नीचे माइन करने के बाद हम बेड फोड़ने लगे और तभी भैया को नेदरराइट भी मिल गई। लेकिन तभी हमने सोचा भाई डायमंड की पिकेक्स तो है नहीं, इसको माइन कहाँ से करेंगे। तो मैं वापस गया अपने ओवरवर्ल्ड और वहां से 2 डायमंड की पिकेक्स बना के लाया नेदर में आके, वो हमने नेदरराइट माइन कर ली और उसके बाद हम लग गए नेदरराइट की माइनिंग में। तो हमने बहुत सारे बेड फोड़े हमेशा की तरह और यहाँ से बहुत सारी एशियन डेब्रिस भी मिल गई हमेशा की तरह। और जैसे ही हमारे सारे कॉपर्स खत्म हो गए हम वापस आ गए अपने ओवरवर्ल्ड और मुझे मिली थी 21 एशियन डेब्रिस और भैया को मिली थी 17 एशियन डेब्रिस। तो वो हमने स्मेल्ट होने के लिए लगा दी और फिर हम चले गए नेदर के अंदर वापस गोल्ड कलेक्ट करने, क्योंकि भाई इतनी रेयर एशियन डेब्रिस कलेक्ट कर ली लेकिन हमारे पास गोल्ड ही नहीं था उसको नेदरराइट के इंगट में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से बहुत सारा हमने गोल्ड कलेक्ट कर लिया और वापस ओवरवर्ल्ड जाके हमने उसका नेदरराइट इंगट बना दिया। और मैंने बनाए थे टोटल 5 नेदरराइट का इंगट और 1 स्क्रैप बचा हुआ था, और भैया ने 4 नेदरराइट के इंगट और 1 स्क्रैप उनका भी बचा हुआ था। नाइस। फिर हम दोनों थोड़ा सा एक्सप्लोर करने चले गए इस वर्ल्ड को, और एक्सप्लोर करते करते मुझे शुगर केन मिल गया, इसकी तो जरूरत थी। तो शुगर केन लेके मैं वापस आ गया अपने बेस पे और जितने भी मेरे पास मशरूम थे उनको कंपोस्टर में डाल के उनकी बहुत सारी बोन मील बना ली और फिर अपने शुगर केन में उसको मारता गया जिससे मुझे थोड़ी सी शुगर केन और मिल गई। और उसकी हेल्प से हमने बना लिया था एक एन्चेंटमेंट टेबल, डायमंड कारवा नहीं लेकिन एन्चेंटमेंट टेबल पूरा बना लिया। उसके बाद हम फिर से चले गए नेदर, लेकिन इस बार एशियन डेब्रिस के लिए नहीं, इस बार नेदर फोर्ट्रेस के लिए। और थोड़ी आगे चलती हमें नेदर फोर्ट्रेस में मिल गया। तो हम पहले नेदर फोर्ट्रेस के अंदर गए और वहां जादुई चेस्ट मिल गई, और उस चेस्ट में तो बकवास लूट रखी हुई थी, लेकिन एक और चेस्ट मिल गई और उस चेस्ट में भी बकवास लूट रखी थी। और फिर आगे चल के कुछ काम की चीज मिली, तो यहाँ से मैंने बहुत सारे नेदर वॉट कलेक्ट कर लिए और फिर हम यहाँ बहुत सारे विदर स्केलेटन और ब्लेज से पंगा लेने लग गए। और इनसे पंगा लेते लेते हमें पहला विदर स्केलेटन का स्कल मिल गया। उसके बाद हमने बहुत सारी ब्लेजेस को मारा ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के लिए, और उसी के साथ साथ हमने विदर स्केलेटन को भी मारा, और तभी भैया को सेकंड हेड भी मिल गया था। तब हमने डिसाइड किया कि भाई तीसरा हेड तो लेके ही जाएंगे कुछ भी हो जाए। और तभी एक ऐसा मोमेंट आया जब मेरी हेल्थ 1 हट पे आ गई थी, विदर स्केलेटन के इफेक्ट से भाई 1 हट बचा था, मैं मरने से बाल बाल बचा। और उसके बाद हमने थोड़े से और विदर स्केलेटन को मारा और फाइनली हमको तीसरा हेड भी मिल गया था। भाई देख रहे हो बिना लूटिंग के ये हाल, अगर लूटिंग लेके आते तो 2-4 हजार हेड तो कलेक्ट करके ही जाते। कोई सेंस है इस बात की? और फिर हम वापस लौट गए अपने ओवरवर्ल्ड, और ओवरवर्ल्ड वापस लौटने के बाद हम चले गए इस वर्ल्ड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी। तो थोड़ी देर बाद हमको मिल गई एक रेवन। अब रेवन मिली है तो डायमंड्स तो मिल ही जाएंगे, है ना? लेकिन वहां हमको कोई डायमंड नहीं मिले। फिर वहां से हमने बहुत सारा आयरन माइन कर लिया, उसको स्मेल्ट कर दिया और अपने लिए नया आयरन का आर्मर बना लिया, क्योंकि पिछले वाले की हेल्थ बहुत कम हो चुकी थी। और भैया को किसी माइनशाफ्ट से एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिला था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको डिसइंचेंट कर देते ग्रैंड स्टोन से और किसी जॉम्बी विलेजर को दे देंगे जिससे वो क्योर हो जाए। लेकिन तभी मुझे याद आया ना तो ये ग्रैंड स्टोन से डिसइंचेंट होता है और ना यहाँ पे जॉम्बी विलेजर होते। I am noob। और फिर हमने सोचा क्यों ना अपने शुगर केन फार्म को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, तो हमने यहाँ के थोड़ी सी जगह साफ करी और अपने शुगर केन फार्म को एक्सटेंड कर दिया पूरी तरीके से, और यहाँ से अब हमें बहुत सारा शुगर केन मिलेगा। तो यहाँ से बहुत सारा शुगर केन लेने के बाद हमने बहुत सारी बुक्स बना दी और उसको बुक शेल्फ बना के हमने एक नई जगह पे एन्चेंटमेंट टेबल रख दिया और उसके आसपास बुक शेल्फ लगा दी, और अब हमें लेवल 30 की एन्चेंटमेंट मिल रही थी। और फिर भैया ने मेरे लिए और अपने लिए एक डायमंड की एक्स बना ली और अपने डायमंड की एक्स पे लगा लिया सिल्क टच, जिससे हमने बहुत सारे मशरूम के जो ट्रीज थे वो तोड़ दिए और मशरूम के ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए, जो कि हमारे काम आएंगे अपना नया घर बनाने में। तो बहुत सारे मशरूम के ब्लॉक्स कलेक्ट करने के बाद हम दोनों ढूंढने लगे एक स्ट्रॉन्गहोल्ड, और हमें एक स्ट्रॉन्गहोल्ड मिल भी गया था, लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर गए बहुत सारी सिल्वर फिश ने हम पे अटैक कर दिया। हम तो मरने से बाल बाल बचे थे, फिर सबको एक एक करके हमने मार दिया। लेकिन उसके बाद हमारे साथ स्कैम हो गया जब हमको पता चला कि ये स्ट्रॉन्गहोल्ड तो बस एक कमरे का स्ट्रॉन्गहोल्ड है, यहाँ तो कोई पोर्टल रूम ही नहीं है। तो अब हमको कोई और स्ट्रॉन्गहोल्ड ढूंढना पड़ेगा। तो इस वाले स्ट्रॉन्गहोल्ड से हम बहुत ज्यादा दूर गए और हमें एक दूसरा स्ट्रॉन्गहोल्ड मिल गया जिसमें पोर्टल रूम भी था। फिर हम वापस आ गए अपने बेस पे, और बेस पे आते हम दोनों चले गए नेदर थोड़ा सा सामान कलेक्ट करने अपने नए घर के लिए। और नेदर में जाते हमने बहुत सारा क्वार्ट्ज कलेक्ट किया और बहुत सारी वुड्स भी कलेक्ट करी, और उसके बाद हमने अपना नया घर बनाना स्टार्ट कर दिया। We'll be driving down state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Dropped out without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise, so will you? Out of
just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, ya. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, ya. I wanna have kids of my own, ya. फाइनली गाइस अपना नया घर बन चुका है, लेकिन उससे पहले ये देखो अपना शुगर किन फार्म हमने ऐसा कर दिया, और ये गया अपना एंचेंटमेंट टेबल, इसके आसपास हमने कितनी अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दिया है। और ये देखो भाई अपना नया घर कितना तगड़ा लग रहा है, एक बड़ा मशरूम जिसमें हम आराम से रहते हैं, इसके नीचे हमने थोड़ी सी चेस्ट रख रखी है, और जब हम सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो वहाँ हमने थोड़ी और चेस्ट रखी है, और अपना क्राफ्टिंग टेबल और बेड्स और ऐसा ही बहुत सारा सामान, और देखने में ये बाहर से बहुत ज्यादा तगड़ा लगता है, और जब दूर से देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा मशरूम है यहाँ पे, और हर एंगल से ये बहुत ज्यादा बेस्ट लगता है। और अपने नए घर को बनाने के बाद हम चले गए डायमंड को माइन करने के लिए, क्योंकि डायमंड का आर्मर भी बहुत ज्यादा मेन है। तो थोड़ी देर बाद हमें मिल गई थी एक रेवन, और इस रेवन के नीचे जाते ही हमें डायमंड्स मिल गए, तो यहाँ से हमने डायमंड्स कलेक्ट कर लिए, और तभी हमको इस रेवन के अंदर एक माइन शाफ्ट मिल गई, और उस माइन शाफ्ट के अंदर भी हमें डायमंड्स मिल गए, देख रहे हो गाइस कितने डायमंड मिल रहे हैं। और थोड़ी देर बाद हमें एक और रेवन मिली, और जैसे पहले हुआ था वैसा ही सेम टू सेम हुआ, इस रेवन के अंदर जाने के बाद भी हमें बहुत सारे डायमंड मिले, और इसके अंदर एक और माइन शाफ्ट मिली, और माइन शाफ्ट के अंदर भी हमें डायमंड मिले, और इसी रेवन के अंदर मिल गई थी हमें एक एपिक माइन, और ये माइन इतनी ज्यादा एपिक थी जहाँ से हमें बहुत सारे डायमंड्स मिले, लिटरली बहुत ज्यादा। और उन सारे डायमंड को माइन करने के बाद हम वापस आ गए अपने बेस पे, और ये देखो कितने ज्यादा डायमंड मिले थे हमें उस माइन से, और इन डायमंड से हमने अपने लिए बना लिए डायमंड का आर्मर और डायमंड के टूल्स, और ये देखो अब कितने चमक दमक रहे हैं हम दोनों। और उसके बाद मैंने अपनी डायमंड की पिकेक्स पे एंचेंटमेंट्स लगा ली, और मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी एंचेंटमेंट मिल गई, और भैया ने मेरे बो पे भी एंचेंटमेंट लगा दी, लेकिन इन्फिनिटी तो मिली ही नहीं, तो फायदा ही क्या, हम पे एरो तो है ही नहीं। तो उसके लिए हम चले गए अपने नेदर वर्ल्ड में वापस, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कलेक्ट कर लें जिसे हम अपने टूल्स और आर्मर पे अच्छी एंचेंटमेंट लगा दें। तो यहाँ से हमने बहुत सारे क्वार्ट्ज माइन कर लिए जिससे हमें बहुत सारे एक्सपी मिल गया। फिर हमने सोचा अब नेदर में आए गए हैं तो क्यों ना नेदरराइट की माइनिंग कर लेते हैं, तो हम फिर से बेड बनाने लग गए, और बेड बना के ब्लास्ट करने लग गए, और ब्लास्ट करते करते हमें बहुत सारी एशियन डेब्रिस मिल गई, और पिछली बार की तरह बहुत सारी एशियन डेब्रिस कलेक्ट करने के बाद हम वापस लौट गए अपने ओवरवर्ल्ड जाने के बाद हमने सारी एशियन डेब्रिस मेल्ट करने के लिए लगा दी। जब तक एशियन डेब्रिस मेल्ट हो रही थी हम अपने टूल्स और आर्मर पे एंचेंटमेंट लगाने लगे, और भैया ने फाइनली मेरे बो पे लगा दी थी इन्फिनिटी वाली एंचेंटमेंट, और उसी बो से मैं उन्हीं पे अटैक करने लग गया, सांप को पाल रहा था। उसके बाद जितना भी नेदरराइट स्क्रैप था हमने उसको नेदरराइट इंगट में बना लिया, और अब हम पे फाइनली हो चुका था पूरे 16 नेदरराइट के इंगट। तो हमने उन नेदरराइट के इंगट की हेल्प से अपने जितना भी डायमंड के टूल्स और आर्मर थे उसको नेदरराइट में कन्वर्ट कर लिया था। और ये देखो भाई नेदरराइट के आर्मर में कवर होने के बाद अपनी चमक दमक, लेकिन अभी भी एक कमी रह गई थी, ये उतना चमक नहीं रहा था। तो हम अपने एंचेंटमेंट टेबल के पास गए, और वहां से सस्ती सस्ती एंचेंटमेंट लगा ली सारी, और अब देखो अब फाइनली हम फिर से चमकने लग गए, और अब हम पूरे रेडी थे, तो अब टाइम था एंडर ड्रैगन की पिटाई करने का। तो हम चलते अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ, और स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंचने के बाद हमको पोर्टल रूम मिल गया, और पोर्टल रूम को एक्टिवेट करने के बाद हम चले गए एंड वर्ल्ड के अंदर। और ये देखो ड्रैगन ने डर के मारे हमें कितनी दूर स्पॉन करवाया, लेकिन हम भी ढीठ हैं, हम भी ब्रिजिंग करके ड्रैगन के पास पहुंच गए, और उसके जितने भी एंड क्रिस्टल थे सबको फोड़ने लग गए, और एक एक करके हमने सारे एंड क्रिस्टल फोड़ दिए, और अब ड्रैगन की बारी थी, तो ड्रैगन को अपनी पुरानी वाली ट्रिक से हम पीटने लग गए, और बहुत ज्यादा हेल्थ डाउन करने लगे, और दो तीन बारी में आधे से भी कम हेल्थ कर दी थी हमने उसकी। और जब वो फाइनली तीसरी चौथी बार आया हमने उसको पूरा खत्म कर दिया, और उससे बहुत सारा एक्सपी ले लिया, मेरा एक्सपी तो 18 से 55 हो गया, इतना ज्यादा एक्सपी मिल गया था मुझे इससे। और मैं अपने साथ विदर स्केलेटन भी लाया था, तो समझ गए ना आप किसका टाइम है अबे विदर को मारने का, लेकिन उससे पहले विदर किलिंग मशीन भी बनानी है हमको। तो यहाँ पे हम विदर किलिंग एरिया बनाने लगे जहाँ पे विदर को हम आसानी से मार सकते हैं, और थोड़ी देर में ये एरिया कंप्लीट हो चुका था, और इसके कंप्लीट होने के बाद हमने स्पॉन कर दिया विदर को, और हमेशा की तरह वेदर तो अपनी जान ले लग गया, लेकिन इस बार हमने भी उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प कराई उसका मरने में, और वो फाइनली मर चुका था, और उससे हमें मिल गया था एक नेदर स्टार। और नेदर स्टार कलेक्ट करने के बाद हमने ड्रैगन का एग भी कलेक्ट कर लिया था, क्योंकि शो ऑफ करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। बड़े हरामी हो। और उसके बाद हम फाइनली कूद गए थे पोर्टल के अंदर, और पहुंच गए अपने ओवर वर्ल्ड। और ओवर वर्ल्ड पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने एक बीकन बनाया, और बीकन बनाने के बाद जितना भी हम पे गोल्ड और आयरन था उसके ब्लॉक्स बनाए, तो 3 गोल्ड के ब्लॉक बना लिए और 9 आयरन के ब्लॉक बना लिए, और उससे हमने एक लेयर का बीकन भी बना लिया अपने लिए,
और गाइस फाइनली हमने सर्वाइव कर लिए थे 100 डेज इन मशरूम बायोम इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर, और इसमें सर्वाइव करके तो बहुत ज्यादा मजा आया सही में। और हाँ गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।